कहानी नंबर 57, रटंत तोता। एक व्यक्ति के पास एक तोता था। चूंकि उस व्यक्ति को तोते पर बड़ा स्नेह था, इसलिए वह उसके जीवन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। एक दिन उसे कुछ विचार आया। उसने तोते को ये वाक्य बार बार बोलकर रटा दिया, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोते ने ये वाक्य स्वयं याद कर अपनी जाति वालों को भी रटा दिए। एक दिन उस व्यक्ति ने सभी तोतों के मुख से पूर्वोक्त वाक्य सुने। उसे लगा कि तोते को दी गई शिक्षा सफल हो गई, अब शिकारी उनको बांध नहीं पाएंगे। पर दूसरे ही दिन उसने देखा सभी तोते जाल में कैद हैं और जोर जोर से धर्म के मंत्र सरीखा सिखाया पाठ पढ़ रहे हैं, शिकारी जंगल में आता है, उसके फंदे से बचना चाहिए, आदि आदि। इस पर उस व्यक्ति ने सिर पीट लिया और समझा कि उसकी सारी शिक्षा बेकार ही गई। अब अपनी बात पर आते हैं। हम सभी भी मिथ्यात्व को दुख का कारण बोलने के बावजूद भी 24 घंटे मिथ्यात्व का ही पोषण करते रहते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारी स्थिति रटंत तोता जैसी नहीं करनी है। हमें भी ज्ञान ध्यान की बातें रटकर मात्र दूसरों को ही नहीं बोलनी है, क्योंकि जिनवाणी की बातें मात्र दूसरों के लिए ही नहीं है, अपितु स्वयं के लिए भी हैं। इसलिए जिनवाणी के भाव को अच्छी तरह समझकर उसे अपने जीवन में यथाशक्य अपनाना चाहिए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ और परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आपसे निवेदन है कि आप इन कहानियों को अपने नगर में चलने वाली पाठशाला में भी अवश्य दिखाएं। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।